أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. مهترم و وسامين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. हकूक़ व सीरीज़ में आप तमाम का दिल से इस्तबाल हैं पिछले दरूस में बात चल रही थी मेहमान और मेज़बान के हकूक़ के सिलसिले में मेहमान नवाजी की अहमियत अम्बिया और मेहमान नवाजी इस सिलसिले में चंद बातें अहम बातें आपके सामने रखी गई थी आज का जो इस सिलसिले में जो अहम मौजू हैं मेहमान नवाजी के आदाब इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कराम ने पुरानी आयत और अहदीत से इस्तेमाल करके बहुत सारी बातें जिक्र की हैं खास तौर से इब्राहिम सलाम का वाक़ा जो पिछले दर्स में मैंने ज़िक्र किया सूरह हूद में और इसी तरह सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है सबसे पहला देखिए अदब ये हैं मेहमान और मेज़बान में कलाम की जो इब्तिदा होना चाहिए बाहमी सलाम से होनी चाहिए आपस में जो मुलाकात हो सलाम मुसाफा उसकी फ़जीलत आई है उसकी अहमियत है इस्लाम में बड़ी अहमियत है और उसके बहुत सारे अहकाम हैं और सलाम मोहब्बत का ज़रिया है सलाम करना मोहब्बत का ज़रिया है इससे जो है इब्तदा होना चाहिए आगाज़ होना चाहिए हम इस्लामी तलीमत को हमें अपनाना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं दोस्ती में मोहब्बत में जो है सलाम को भूल कर और गलत चीज़ें हमने याद कर ली हैं गैरों की जो हैं गुड मार्निंग गुड आफ्टरनून वेलकम इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं हमारी जबानों पर चढ़ गए हैं सलाम भी बाज़ लोग जो हैं हो सकता है फ़र्त मोहब्बत में भूल जाए या खुशी में या कोई और मसला हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लामी आदाब हैं इस्लामी अहकाम हैं इसे अपनाना चाहिए दूसरा अहम अदब मेहमान के खाने का जो है फ़ौर इंतज़ाम करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने ताकत दी है ताकत भर जो है फ़ौर इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए एक अहम अदब है इसी तरह तीसरा अदब ये है के मेहमानों को से जो है उस बात को छुपा करके हम इंतज़ाम कर रहे हैं उनके खाने का उनके रहने का अच्छे से अच्छा बंदोबस्त और जो भी ज़रूरियात होती हैं उसकी तकमील के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए इब्राहिम इब्राहीम के वाकई में जो है आ, हमें यह दर्श मिलता है कि आप जो है फ़ौर फ़राग़रा अल्लाह ताला जिक्र किया है कि छुपके, छुपके छुपके जो है वो चले गए घर वालों को भी नहीं बताया और इंतज़ाम करना शुरू कर दिया तो इस तरह जो है हमें करना चाहिए मेहमान की तकरीब में ये चीज़ जो है शामिल है इसी तरह एक अदब ये भी बताया गया है कि किसी बहाने थोड़ी देर के लिए मेहमानों से अलग होना चाहिए थोड़ी देर के लिए अलग होना चाहिए ताकि उनको आराम करने का मौका मिले या दूसरी जो उनकी ज़रूरियात होती हैं उससे वो फारिग हो सकें और उसके बाद आराम से जो है हम लोग जो भी उनकी तक्रीम कर सकते हैं खातिर तोज़ु कर सकते हैं उसके लिए हमारे लिए भी आसानी हो तो थोड़ी देर उनको देना चाहिए और इसी तरह एक अहम अदब ये है कि खाना मेहमानों के सामने पेश करना चाहिए उनको हुक्म नहीं देना चाहिए खाइए बल्कि क्योंकि इब्राहिम सलाम के से सेम ने यह बात मुस्मत की है कि इब्राहिम सलाम ने उनसे ये कहा अल्ला कि आप लोग क्यों नहीं खाते ये नहीं कहा कि आप लोग खाइए आर्डर नहीं देना चाहिए अच्छी बात नहीं अदब के ख़िलाफ़ होता है ख़ासतौर से जो बड़े लोग हैं हैं और रिश्तेदार जो बड़े उम्र के होते हैं उनके लिए मुनासिब नहीं इस, इस तरह के जुमले कहना बल्कि ये आप खाई क्यों नहीं खाते इस तरह के अल्लाह कलून जो अल्फाज इस्तेमाल हुए अरब उर्दू में जो है उसकी तर्जुमानी कि आप लोग खाते क्यों नहीं आपके सामने हाजिर खिदमत है इस तरह के अल्फाज़ जो अदब का जिसमें पास व लिहाज रहता है उसका उसकी पाबंदी करना चाहिए इसी तरह एक अदब ये हैं कि मेहमान अगर खाना खाते हैं तो दिली खुशी दिल से जो है दिली खुशी होना दिल से खुश होना चाहिए और इत्मीनान हमें होना चाहिए सुरूर हासिल होना चाहिए और ना खाने पर हमें हुस्न व मलाल की कैफियत तारी होना चाहिए ना खाएं तो हमें वो एहसास दिलाएं कि आप क्यों नहीं खाते हैं खाना चाहिए आपको हमने इतना ये किया आप खाइए इतने दिनों के बाद आए हैं फल हैं जो भी इस तरह के अलफा कहकर उनको उभारना चाहिए खाने पर और खाने पर खुशी का इजहार होना चाहिए दिल से जो है ख़ुशी का इजहार होना चाहिए क्योंकि जो लोग बकील होते हैं वो लोग खाना तो पेश करते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ बल्कि कुछ चीज़ें बच जाएँ और उसको घर वाले और वो ख़ुद इस्तेमाल करें ऐसा बाज़ लोग करते हैं देखने में भी आता है तो ये बिल्कुल अदब के ख़िलाफ़ है ऐसा नहीं होना चाहिए ये बरकत का ज़रिया है मेहमान खाएगा तो बरकतें आएँगी अल्लाह ताला खुश होगा हमारे ईमान में इजाफा होगा तकमील ईमान की आलामत हैं वाल्मा अल्लाह के नबी सा ने कहा जो अल्लाह पर ईमान रखता है आखिरत पर अपने मेहमान की खातिर तोज़ो करें तक्रीम करें और तकरीम में शामिल है कि हम खुशी महसूस करें उसको खिलाकर ख़ुशी महसूस करें और ना खाने के सिलसिले में जो है हम जो हमें गम होना चाहिए इसी तरह एक अदब ये भी बताया गया कि ना खाने की हालत में मेहमानों को जो है उम्दा अलफा में उज़र पेश करना चाहिए अगर हम मेहमान हैं मेज़बान के लिए अगर नहीं खा सकते कभी रोज़े से हैं या कोई और परहेज़ है कोई ऐसा खाना पेश किया गया है कि डॉक्टर ने मना किया सेहत के लिए वो नुकसान हो सकता है बीमारी में इजाफ़ा या कोई ऐसा कोई उजर है शरीर उज़्र हैं तो अच्छे अल्फादा अल्फ के साथ हमें भी जो है जवाब देना चाहिए उज़ुर पेश करना चाहिए चूँकि फ़रिश्तों ने जब इब्राहिम सलाम ने पेश किया खाना अला अल्लाकूम तो वहाँ पर देखिए फरिश्तों ने कहा हम नहीं खाते तो आप खौफ ज़दा ना होना चाहिए आप खौफ मत कीजिए फरिश्तों ने जो है कहा कि कोई बात नहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कहा कि हम आम इंसान नहीं हम फरिश्ते हैं आगे बताया गया कि हम फरिश्ते हैं हम खाते पीते नहीं हमें उसकी ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला ने उस सिफ़त पर हमें पैदा नहीं किया है तो बहाल हम तो इंसान हैं किसी के पास जाते हैं कोई उज़्र हो मेहमान के पास तो मेज़बान से उमदा अल्फाज में जो है उज़्र पेश करना चाहिए माजरत कर लेनी चाहिए और मेहमान का एक हक़ हाँ ये भी है कि उसकी जान व माल उसकी इज़्ज़त आबरू की जो है हिफाजत और आबरू की हिफाजत करें चुनानचे देखिए कौमल लूत का अल्लाह ने किया फरिश्ते जब उनके पास गए मेहमान बनकर तो उन लोगों ने जो आ, हरकत की हर धर्मी पर आए बुराई करने का इरादा किया और वो भी समझते थे कि ये नौजवान हैं इंसान हैं जबकि वो फ़रिश्ते थे हकीकत में तो आपने पूरी उनकी हिफाज़त करने की कोशिश की आखिर में जब हर धर्मी उन्होंने हर धर्मी का इजहार किया तो लूत सलाम ने अल्लाह की पनाह हासिल की और अल्लाह से उनको डराया इसी देखिए इसीलिए और इसी तरह ख़ुद प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी का जो है ऐसा नमूना पेश किया जिसे तारीख़ इस्लाम कभी फरामोश नहीं कर सकते बहुत सारे वाक़ हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अबू हती का मशहूर वाक़ा सही बुखारी में एक दिन वो बहुत सख्त उनको भूख लगी थी बेहोशी की जो है हालत हो गई थी आपने जो है कुरान की आयतें बहाने के तौर पर आप आपने तावील की और कई सहाबा से जो वहाँ से गुजर रहे थे आपने खाने पिलाने के सिलसिले में खर्च के सिलसिले में जो आयते हैं उसकी तबसेर पूछ रहे थे किसी ने आपकी ज़रूरत को महसूस नहीं किया आखिर में अल्लाह के नबी सा पहचान गए कि अबू हरे भूखे हैं कुछ दूध था जिसको अल्लाह के नबी सा मंगवाया और अबूररा से पहले पूरे असाबा को आपने पिलाया मौजदा था प्यारे नबी सा का तकरीबन अस्सी या उससे ज़्यादा लोगों ने जो है उसको पिया आखिर में अबूर रदी अल्लाह को अल्लाह के नबीसम ने पेड़ भर पीने का हुक्म दिया बरकत की आपने दुआ की इस तरह के बेशुमाराकतियात हैं अल्लाह के नबीसम की ज़िंदगी में आपने जो है मेहमान की मेहमान नवाजी की और वह वाक़ा भी एक सहाबी आए थे लेकिन अल्लाह के नबीम के अजवाज मतहरा के पास कोई चीज़ नहीं थी लेकिन आपने इंतज़ाम करवाया सहाबा को उभारा उस पर और एक सहाबी उस उनको ले गए अबू अबारी तौ और उम्मीम का वाक़ मशहूर हैं अगले दर्श में भी उसका जिक्र आएगा दुआ है रब्बुलरमी से कि अल्लाह तमाम को सही मानों में मेहमान और मेज़बान के सिलसिले में मेहमान नवाजी के सिलसिले में एक दूसरे पर जो आदाब बनते हैं जिसका अदा करना ज़रूरी है अल्लाह ताला हमें अमल की सादत नसीब फ़रमाएँ इस सिलसिले में जो भी सुस्ती का, को, का कोताही काहली होती है गफलत होती हैं अल्लाह ताला उससे हमें बचाएं आमीन सुमीन और मालीना इलाबलामबी व वरहत व वर्क